Good morning, student. Today we will discuss the new topic of the fifth unit is risk management. In fifth unit, we have seen that project management, project planning, cost estimation techniques, and after that we have seen project scheduling and tracking. जब हम project scheduling and tracking करते हैं, तो एक बहुत ही important part आता है risk management. बिकॉज वेन प्रोजेक्ट इज वर्किंग या प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है उस वक्त विच टाइप ऑफ रिस्क विल कम एंड हाउ टू सॉर्ट आउट द रिस्क. यदि इसके लिए पहले से कुछ हमने प्लानिंग करी होती है तो अनप्रिडिक्टेबल कंडीशंस नहीं आती है. सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट में हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन एंड हाउ विल यू आइडेंटिफाई द रिस्क, विच टाइप ऑफ रिस्क आर देयर and what is the risk estimation, and after that we will see RMMM, mitigation means how can you avoid, monitor and manage the risk. उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि types of risk कितनी होती है. Definition the risk. Risk, what is the risk? Risk is the potential of potential problem. It might happen and it might not happen. ओके हो सकती है नहीं भी सकती है. यदि कंफर्म है कि होगी ही तो फिर हम उसे पहले ही देख लेंगे. रिस्क मींस मे हैपन. कंसेप्चुअल डेफिनेशन ऑफ रिस्क इज रिस्क कंसर्न विद द फ्यूचर हैपनिंग, इन्वॉल्व चेंज इन माइंड, ओपिनियन, एक्शन एंड प्लेसेस. रिस्क में इन्वॉल्व चॉइस, अनसर्टेनिटी दैट चॉइस एंटेल. कई बार ऐसा होता है, हमें पता होता है हम वो स्विच ऑन करेंगे तो इट मे हैपन, बट नहीं करेंगे तो नहीं होगी. सो वी हैव टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स एंड उनको हमें आइडेंटिफाई करके पहले से रखना पड़ता है. टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्क होते हैं, अनसर्टेनिटी एंड लॉस. अनसर्टेनिटी मीन्स रिस्क मे और मे नॉट हैपन. देर इज नो 100% रिस्क, हम ये नहीं कहेंगे कि होगी ही. विथ सम कॉन्स्टेंट इट मे हैपन, बट इफ यदि हो गई है तो वहाँ पे लॉस मीन्स रिस्क बिकम अ रियलिटी में कन्वर्ट हो गई. और उसके बाद जैसे होता है ना, कहीं शॉर्ट सर्किट होगा तो हो सकता है आग लग जाए. इट मे और मे नॉट इज अनसर्टेनिटी, बट यदि आग लग गई तो बहुत सारा लॉस होता है, दैट इज रियलिटी एंड अनवांटेड कॉन्सिक्वेंसेस और लॉस अकर. नाउ वी वेन फर्स्ट वी कैटेगराइज द रिस्क. नोन रिस्क, those risks that can be uncovered after a careful evaluation of the project plan. मतलब बहुत केयरफुली हम प्रोजेक्ट प्लान को इवेल्युएट करें. बिजनेस, टेक्निकल एनवायरमेंट और सारी चीज़ें जो अनरियलिस्टिक डिलीवरी डेट है, अनरियलिस्टिक हो सकती हैं, तो वहाँ पर हमें रिस्क बहुत सारी नोन हो जाती हैं. प्रिडिक्टेबल मीन्स जो पहले से आ चुकी हैं, यू कैन प्रिडिक्ट इट क्योंकि वो पास्ट में भी हो चुकी हैं एक्सपीरियंस के हिसाब से. अनप्रिडिक्टेबल मीन्स दे कम एंड इफ दे अकर देन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई इन एडवांस. हो सकती हैं, अनप्रिडिक्टेबल रिस्क इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई. पहले से हम उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं. उसके बाद प्रोजेक्ट रिस्क थ्रेटन द प्रोजेक्ट प्लान, शेड्यूल and cost will increase. This is the project risk. बढ़ती जा रही है cost, बढ़ती जा रही है, कैसे होगा. Technical risk, technically threaten कर रही है, quality and timeliness नहीं, impossible हो रहा है and difficulties are coming in technicality. Now business risk बहुत सारे तरह से आती हैं and जब project बन के तैयार हो जाता है, हमारा product is going to be deliver, then which type of risk will come. Market risk, जब हमने प्लान किया था तब मार्केट इतना हाई नहीं था लेकिन अब हो गया है. स्ट्रेटजी रिस्क, सेल रिस्क, मैनेजमेंट रिस्क एंड बजट रिस्क. बहुत सारी चीज़ें, हमारा प्रोडक्ट यदि महंगा है तो हो सकता है उससे कम पैसे का कोई प्रोडक्ट आ गया हो और वहाँ पे हमारा प्रोडक्ट नहीं सेल हो रहा है. लाइक दिस आर द बिजनेस रिस्क. नाउ स्टेप्स ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट, आइडेंटिफाई रिस्क जो भी पॉसिबल होती है, देन एनालाइज देम कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एंड व्हाट आर द डैमेजेस ऑफ रिस्क. उनको रैंक दिया जाता है, 1 नंबर के रैंक की है, दूसरे नंबर की है रिस्क बाय द प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट.
नाउ डेवलप द कंटिजेंसी प्लान, उनको अवॉइड करने के लिए, वो ना आए, उनसे बचने के लिए हमें मैनेज कुछ प्लान मैनेज करना होता है, ताकि जो भी हाई प्रोबेबिलिटी रिस्क हैं वो मैनेज हो जाएं। इस तरह से कुछ एस्टिमेशन करते हैं, उनका प्रोजेक्ट करते हैं रिस्क को, और ऐसे टेबल बनाया जाता है जिसमें रिस्क समरी रहेगी, रिस्क की कैटेगरी क्या है 1, 2, 3, 4, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है और उसका इम्पैक्ट फैक्टर क्या है। इम्पैक्ट फैक्टर कैसे रहेगा, कैटेस्ट्रोफिक मींस बहुत ही हाई रिस्क है, बहुत ही नुकसान करने वाली, लॉस करने वाली रिस्क है, क्रिटिकल उससे थोड़ी कम है, मार्जिनल है या नेग्लिजिएबल है, उसको हम यहाँ पे इम्पैक्ट देंगे। कितनी प्रोबेबिलिटी है, 50% प्रोबेबिलिटी है या 1% है या 10% है या 100% है। एंड RMM मींस रिस्क मिटिग्रेशन मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट, उसके लिए यहाँ पे हमने क्या प्लानिंग कर रखी, क्या क्या पॉइंट रिस्क की हिसाब से डिस्क्राइब्ड हैं। हर रिस्क को हम इस तरह समराइज करेंगे आइडेंटिफाई करके, और इस तरह का एक टेबल बना लेंगे, और ये टेबल प्रोजेक्ट मैनेजर के पास होता है, वही इसे बनाता है, ताकि सिंपल तरीके से वो जितने भी रिस्क प्रोजेक्शंस हैं उनको मॉनिटर करता रहे। जब हम ट्रेसिंग करते हैं, शेड्यूलिंग करते हैं, तो ट्रैकिंग करते समय हमें इन्हें भी ट्रैक करना होता है। रिस्क मिटिग्रेशन मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट 3 इफेक्टिव स्ट्रेटजीज हैं रिस्क को कंसीडर करने की। पहला है रिस्क अवॉइडेंस, सेकेंड है रिस्क मॉनिटरिंग, एंड थर्ड इज रिस्क मैनेजमेंट एंड कंटिजेंसी प्लानिंग, मैनेज करना और उसको अवॉइड करना। मतलब रिस्क अवॉइड हो उसके लिए हमें क्या क्या स्ट्रेटजीज लगानी पड़ेंगी, देन ऑलवेज यू हैव टू मॉनिटर इट एंड मैनेज इट। नाउ RRM प्लान में पार्ट ऑफ द, मतलब हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लान में इस RMM प्लान को होना चाहिए। R means risk, M means mitigation, monitoring and management. ये plan हमारे software development plan में होना चाहिए। You have to give some effort and cost for this also. Once RMMM has documented and project has begun, risk mitigation monitoring steps start हो जाते हैं। उनको avoid करने के लिए हमें क्या activity करनी है, उनको monitor करने की activity always मतलब also starts. Monitoring के समय 3 objective होने चाहिए, कि जो predicted risk है उनको एसेस ना करें, ना आए, ना अकर हो, इंश्योर करें कि उन रिस्क को हम किस तरह से अवॉइड कर रहे हैं, एंड रिस्क आर बीइंग प्रॉपरली अप्लाइड, कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड कैन बी यूज्ड फॉर द फील्ड। रिस्क आई थी तो वो कैसे आई थी, क्यों आई थी, उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें और वो फ्यूचर में उसे यूज करें रिस्क एनालिसिस करने के समय। नाउ प्रिंसिपल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए, एक ग्लोबल मेंटेन होना चाहिए पर्सपेक्टिव, फॉरवर्ड लुकिंग व्यू होना चाहिए, ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए। यदि किसी भी यूज़र को, किसी भी स्टेक होल्डर को ड्यूरिंग द डेवलपमेंट कोई रिस्क दिखाई देती है तो इट शुड टेल टू एनकरेज, उसको बताना चाहिए टाइम पे, किसी भी टाइम पे। इंटीग्रेट द रिस्क मैनेजमेंट, जो भी रिस्क है वो सॉफ्टवेयर प्रोसेस के साथ में इंटीग्रेट होनी चाहिए, कि प्रोसेस में मीनवाइल ये रिस्क भी आ सकती है। एम्फेसाइज अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, जो रिस्क मैनेजमेंट है उस प्रोसेस को भी उतना ही मॉडिफाई, आइडेंटिफाई इस तरह से करते जाना चाहिए कि वो रिस्क कुछ न्यू एंड बेटर इंसाइट में चली जाए। डेवलप अ शेयर्ड प्रोडक्ट विजन, हमेशा जो विजन है आपका स्टेक होल्डर्स का, वो सारा रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए और असेस करने के लिए शेयर्ड रहना चाहिए, शेयर होते रहना चाहिए। एनकरेज टीम वर्क व्हेन मैनेजिंग रिस्क, जब हम रिस्क मैनेज कर रहे हैं किसी प्लान और एक्टिविटी के थ्रू, कोई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर रहे हैं, तो टीम वर्क को एनकरेजमेंट होना चाहिए, मिल के काम करना चाहिए। आफ्टर दैट दिस टॉपिक हैज़ बीन फिनिश्ड, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक टुमारो, टिल देन गुड बाय।